जब अरिजीत सिंह ने लिखा इम्तियाज अली के नाम ऐसा खत, इम्तियाज अली और एकता कपूर प्रोडक्शन की फिल्म लैला मजनू इन दिनों काफी चर्चा में है। हाल ही में फिल्म का नया गाना आहिस्ता आज रिलीज किया गया। अरिजीत सिंह यह गाना सुनकर इम्तियाज अली के लिए एक विशेष संदेश लिखने से खुद को रोक नहीं पाए। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी स्टारर लैला मजनू एक इंटेंस प्रेम कहानी है जिसमें अरिजीत सिंह ने भी गाया है। इम्तियाज अली ने लैला मजनू के इस नए गाने को लिखा था जिसके लिए वो अरिजीत की आवाज चाहते थे ताकि गाने में लैला और मजनू के बीच प्यार के दर्द और गुस्से को इमोशन के साथ बनाया जा सके। जब निर्माताओं ने गीत का एक रफ वर्शन अरिजीत को भेजा तो उन्हें तुरंत यह गाना पसंद आ गया था और उन्होंने इम्तियाज को एक संदेश भेजा कि वह कैसे गीत के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अरिजीत ने बताया कि गाने के लिरिक्स भी बेहद सुंदर है और इस गाने को अपनी आवाज देने में उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। लंबे समय बाद एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग रिलीज किया गया है जिसे आप यहां देख सुन सकते हैं। डैश इम्तियाज अली के मुताबिक अरिजीत के संदेश ने उनका दिल छू लिया था। अरिजीत ने आहिस्ता को अपनी आवाज के साथ एक नई गहराई और आयाम दिया है और हमें विश्वास है कि गीत सभी टूटे हुए दिल से जुड़ जाएगा। फिल्म लैला मजनू 7 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिर से लैला मजनू क्यों? फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जागरण.com ने जब इम्तियाज और एकता से जानना चाहा कि एक बार फिर से लैला मजनू की कहानी क्यों, इस सवाल के जवाब में इम्तियाज ने पूछा कि क्यों नहीं। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई हजार साल से कहा जा रहा है। हर गली मोहल्ले में ये कहानी कही जा रही है तो कुछ तो बात होगी इस कहानी में जो बार बार यह नए रूप में लोगों के सामने आती है। आप फिल्म देखेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि कहानी क्यों कही जा रही है। एकता ने कहा कि वह जब इस कहानी को बनाने वाली थी उस वक्त वे फाइनेंशियल लॉस में थी। उस वक्त वह कहानी को लेकर आगे नहीं बढ़ पाई थी लेकिन उनके दिल को यह कहानी इस कदर छू चुकी थी कि यह कहानी उन्हें यह कहनी ही थी। सो जब दोबारा उन्होंने तय किया कि वे फिल्में बनाना शुरू करेंगी तो सबसे पहले यही कहानी उनके दिमाग में आई। यह पूछे जाने पर कि बॉलीवुड में जब भी ट्रेजिक के स्टोरीज के माध्यम से नए लोगों को लॉन्च किया गया है फिल्म कामयाब रही है तो क्या यह भी वजह रही कि इस फिल्म से नए चेहरों को, तो इस पर एकता ने कहा कि वे टैलेंट स्टार किड रहे हैं अब तक जिनकी भी लॉन्चिंग ट्रेजिक कहानियों से हुई है लेकिन मैं नए लोगों को लेकर आई हूँ।